पंजाब सरकार खिलाफ थां थां ते हो रहे अंदोलन ने शायद कैप्टन साहब नूं तां नींद चो नहीं जगाया, पर पंजाब ग्रामीण विकास के अधिकारियों का चूना जरूर मुश्किल कर दिता है। जिसे चलदे भड़के अधिकारियों ने खुद भी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिता है। जी हाँ, मोहाली पंजाब ग्रामीण विकास के पंचायत भवन के बाहर काम ठप कर धरने से बैठे अधिकारियों ने रोष प्रगट करदिया पंजाब सरकार खिलाफ कूर मुनारेबाजी की। इल्जाम लगाया कि अजिहे माहौल च अधिकारी काम नहीं कर सकते जिथे शरेआम गुंडागर्दी हुंदी होवे। जानकारी अनुसार मानसा तो कांग्रेसी लीडर मंजू बाला ने शरेआम गुंडागर्दी करदे विभाग के उच्च अधिकारियों नूं बिना किसी कारण तो काफी जलील किया सी ते कमरे च बंद करके काफी अपशब्द बोले ते लीडर नाल आए गुंडिया ने उन्हां नाल गाली गलोच भी किया, जिसकी सच्चाई पंचायत विभाग की अडिशनल डायरेक्टर रमिंदर पुट्टर ने मीडिया नाल सांझी करन दे नाल नाल कहा कि इस घटना नाल साडे पूरे विभाग की शान दे दाग लग्या ते असीं भी अपने आप नूं सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। उन्हां कहा कि जदों तक अधिकारियों ते कर्मचारियों की सुरक्षा का पूरा इंतजाम सरकार वालों नहीं किया जाता असीं काम बंद करके धरने ते बैठांगे। नाल ही चेतावनी भी दित्ती कि हर जिले विच पंचायत विभाग के अधिकारियों ते कर्मचारियों वालों यह अंदोलन किया जाना है। मैम नाम दस दो पहले। मेरा नाम रमिंदर बुट्टर, एडिशनल डायरेक्टर पंचायत। अज क्यों सुनोगे प्रदर्शन करना? सानू अज बड़े ही मंदभागी घटना होने करके प्रदर्शन करना पिया, क्योंकि साढ़े एक बहुत ही सीनियर लैवल के अधिकारी जोड़े है ADC डिवेलपमेंट जी साढ़े डिपार्टमेंट की सब तो हाईएसट पोस्ट है, उत्थे गुरमीत सिंह सिद्धू ने ADC मानसा जिन्होंने अच्छ बड़ा जलील किया गया, उतों के जोड़े कांग्रेस प्रेजिडेंट ने मंजू बाला जी उन्होंने आके बिना कारण तो बिना वजह तो उन्होंने कमरे के लॉक करके अपने नाल काफ़ी सारे लोग लिया के उन्होंने डिटेन किया, उन्होंने नाल काफ़ी गाली गलोच भी किया और उन्होंने बड़े ही अपशब्द बोले जिदे नाल उन्हों का जड़ा उन्होंने इंसल्ट तो हुई है। बाकी जिन्हें भी असी मुलाजम हैं जोड़े सर्विस करते हैं उन्होंने शान में एक बहुत ही वड्डा धक्का लगे है, जिदे करके सानू लग्या कि अज सारे ही मुलाजम जड़े आ इस माहौल दे विच अपने आप नू महफूज महसूस नहीं कर रहे कि असी निडर हो के बड़े कॉन्फिडेंस दे नाल अपनी आन ते शान नू बहाल रखते हुए अपनी नौकरी निभा सकते हैं। तो ये जड़ी सुरक्षा की भावना है इनू दूर करन लई ते सरकार तक अपना मैसेज पहुँचाउण लई कि जदों तक इन्हां दे अगेंस्ट सख्त एक्शन नहीं लिया जाता उदों तक असी बैठांगे नहीं, ना ही ये जड़ी मूवमेंट है ठंडी पएगी। असी उदों ही अपना कामकाज दफ्तरां ही शुरू करांगे जदों ये साडी जड़ी मंग है पूरी तरह मन्नी जाए। तो अज की घटना के जोड़ा साडा सरकारी अधिकारी सी बिना कसूर तो अजिहा काम अजिहा सलूक किया गया जिदे कारण बड़ा ही रोस जोड़ा सारे मुलाजमान च पैदा होया। सरकार नू जिहड़ी आ हक सच दे नाल खड़ना चाहिए और ये साडी जिहड़ियां मंगां जिहड़ियां पूरी तरह मनणियां चाहीदियां ते इंसाफ मिलना चाहिए ता जो जिहड़े सही तरीके दे नाल हर मुलाजम जिहड़ा अपनी ड्यूटी वधिया तरह निभा सके। इस मौके डिप्टी डायरेक्टर जोगिंदर कुमार ने भी मानसा घटना की निखेधी करदे सरकार नूं खूब लानता पाईआं। मेरा नाम जोगिंदर कुमार है, मैं डिप्टी डायरेक्टर हाँ मुख वक्त दफ्तर के जिमें साडे सीनियर अधिकारी ने दस्सिया यह मंदभागी घटना जिहड़ी होई है साडे कोलीग्स अफसर नाल होई है जी। सरकार की होंगी है, सरकार अफसरों तो बिना सरकार कुछ नहीं होंगी, अफसर ही सरकार भी सरकार होंगे ने तो जे सरकार आप ही महफूज नहीं है तो असी की तवक्को कर सकते हैं कि काम किवें चलेगा। सो ये जी मदभागी घटना हुई है असी यदी पुरजोर निखेधी करते हैं, निंदा करते हैं तो मांग करते हैं कि ये सख्त एक्शन लिया जाए। साडे सारे महकमा जिहड़ा हैगा पेंडू विकास पंचायत विभाग के BDO दफ्तर DDPO सारे अधिकारी जिहड़े ने ऑलरेडी स्ट्राइक ते चले जा चुके ने स्टेट दे विच, उह सारिआं दा इह हैगा ते सोमवार तो फिर असीं इत्थे जिहड़े ने सारे इकट्ठे हो रहे हैं, अगला एक्शन जिहड़ा हैगा असीं सोमवार इत्थे उलीकांगे। पुरजोर मांग करदे हां कि जिहड़ा ये कारा करन वाले ने उन्हां दे खिलाफ़ सख्त एक्शन लिया जाए ता जो अधिकारी ते मुलाजम सारा ही कोई भी जिहड़ा हैगा उह सही तरीके नाल अपनी जिहड़ी ड्यूटी निभा सके। चकदे टीवी नाल जुड़े रहने लई साडा चैनल सबसक्राइब करो, वीडियो सब तो पहला देखने लई बैल आइकन ते क्लिक करना ना भुल्यो।